चमोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का जिला मुख्यालय गोपेश्वर के बस स्टैंड पर आगमन हुआ है। संकल्प यात्रा के रथ का आगमन होते ही स्थानीय जनता ने रथ का भव्य स्वागत किया। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के सभी रथ गांवों और शहरों में घूम रहे हैं, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारियां जनता को बता रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सभी अधिकारी द्वारा जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही अंत्योदय प्रयत्न के लिए हुई है, और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार जनता द्वारा चुनी सरकारें अपने विकास कार्यों को जनता के बीच ले जा रही है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वो हमारे गाँव के अंतिम व्यक्ति तक, जो वंचित है, शोषित है, जिसकी पहुँच नहीं है, वहाँ तक पहुँचे। इसके लिए आज जिला मुख्यालय गोपेश्वर की नगर पालिका परिषद के इस बस स्टैंड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम विभाग के अधिकारीगण स्टॉल के माध्यम से हमारे जो लाभार्थी हैं उनको लाभ देने का काम करेंगे, उनको चयनित करेंगे। यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर पालिका गोपेश्वर बस स्टेशन गोपेश्वर में आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उनको यहाँ पर लाभ दिए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। विभागों के स्टॉल विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं।